कैसे हैं आप सब। क्राफ्ट स्टडी पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं, तो जो यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड में जो हमारी वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो दोस्तों, इसमें जो हमारी वैकेंसीज आई हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूटिलिटी पावर टेक और डॉट और ORG एंटर करके गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में कुछ इस तरीके का पेज आपका खुलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाके यहाँ पे आप देखिए, ये जो वाला पोर्शन है आपका, ये आपका पोर्शन खुल रहा है, एप्लीकेशन आर एम्बेडेड फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर एंगेजमेंट ऑफ द ITI ट्रेनीज फिटर एंड इलेक्ट्रीशियंस। ठीक है, इस वाले पोर्शन को आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू डेट आई है, अभी कुछ दिन पहले यूटिलिटी का फॉर्म फिलअप हुए थे और एग्ज़ाम भी हुआ था, समथिंग 15 से 20 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन अब इसकी फिर से आई है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन अनाउंस हुआ है तो वो किस दिन अनाउंस हुआ, 13 मार्च 2020 को अनाउंस हुआ है। 10 बजे से हमारी साइट खुल गई है और हम 2 अप्रैल 2020 तक हम इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम आगे, अब आगे बताते हैं आपको इसके इंस्ट्रक्शन किस तरीके से, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, हम इस पे, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन पे टिक करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे टिक कर दिया तो हमारा कुछ इस तरीके से का पोर्शन खुलेगा, कुछ इस तरीके का। तो हम इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, जो यानी कि विज्ञापन संख्या है, वो हम पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगी। तो हम कुछ यहाँ पर टिक कर देते हैं, इस जगह पर हमने यहाँ टिक कर दिया। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा, लेकिन फिर भी आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये हमारा डाउनलोड हो गया और हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके का ओपन होगा। ये हमारा यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड वाला जो हमारा विज्ञापन संख्या है वो हमारी खुल गई। अब उसके बाद में उस ये आप पढ़ सकते हैं, हम आपको हिंदी में पढ़ के दिखाते हैं। ये ऊपर नीचे हिंदी में दे रखा है, इसमें NTCP और रिलायंस का संयुक्त उद्यम है, यानी कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो कॉरपोरेशन है जो हमारी, और रिलायंस का संयुक्त उद्गम है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको कहाँ है, डोंगरगांव, गाडरवाड़ा और PO जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, ये MP की है। ठीक है, और उससे पिछली बार यूटिलिटी कहाँ की, उत्तर प्रदेश की हुई थी कुछ दिन पहले, लेकिन ये हमारी मध्य प्रदेश की है। उसके बाद में हमें यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड या GWSTTPP या NTPP लिमिटेड जो आपका एड्रेस दे रखा है, उसके अनुबंध के आधार पे UPL में नियुक्ति के लिए ITI पास फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आवेदन आमंत्रित करता है। उसके बाद में आपको प्रशिक्षण वेतन और प्लेसमेंट क्या कैसे किस तरीके से होगा, चयनित तो उम्मीदवारों को 6 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण मिलेगा और इन्हें प्रतिमाह 10,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद प्रशिक्षण संपन्न होने पर इन उम्मीदवारों की केंद्रीय सरकार के अनुसार कौशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी पर उपयुक्त UPL गुणवारा में नियुक्त अवधि के लिए तैनात किया जाएगा। ठीक है, और इसमें आयु सीमा क्या है, 1/3/2020 तक अधिकतम आयु 27 वर्ष होना चाहिए। 1/3/2020 तक अधिकतम आयु जो है हमारी 27 वर्ष होना चाहिए ये। ठीक, उसके बाद हमारा इसमें क्या है, योग्यता क्या होना चाहिए, हमारी 10वीं पास होना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन या फिटर ट्रेड से नियमित ITI पास होना चाहिए, यानी रेगुलर ITI पास होना चाहिए। उसके बाद में कृपया नोट, पाठ्यक्रम के NCBT SCBT से आवश्यक स्वीकृत हो तथा जिन अभ्यर्थियों ने ITI पाठ्यक्रम डिस्टेंस शिक्षा माध्यम से किया है वो पात्र नहीं होंगे, यानी कि आपने प्राइवेट किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, उपरोक्त पदों के लिए चयनित प्रक्रिया। तो इसमें चयनित प्रक्रिया क्या है, हमारी योग्य उम्मीदवारों को 2 घंटे की लिखित परीक्षा देनी होगी, मेरिट और के आवश्यकता के आधार पर कौशल परीक्षा में उपस्थित हेतु सभी चुने हुए उम्मीदवारों की सूची यूटिलिटी पावर टेक कॉलेज पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसे चुने उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा देनी होगी जिनके बारे में
के बाद में सूचित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, पाठ्यक्रम मापदंड, उम्मीदवारों के प्रशासनिक श्रेणी, NTPC गणवारा से संबंधित भूस्थानों के लिए प्राथमिकता, सेवा करार, बॉन्ड आवेदन और पंजीकरण प्रक्रिया तथा अन्य सूचना यूटिलिटी उपलब्ध होंगी। ठीक है, इसकी वेबसाइट जो है, ये जो वेबसाइट देखी इस पर उपलब्ध होंगी। योग्य उम्मीदवार केवल ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से ही आवेदन कर सकेंगे। सामान्य जानकारी क्या है? केवल मध्य प्रदेश के रहने वाले वह भारतीय नागरिक जिनने मध्य प्रदेश से अपनी 10वीं परीक्षा पास की है और ITI फिटर एंड इलेक्शन उत्तीर्ण या आवेदन के पात्र हैं, और UPEL को अधिकार है यदि आवश्यक हो तो बिना किसी अतिरिक्त सूचना के कारण दिए हुए नियुक्ति रद्द किया जा सकता है। उसके बाद में इसमें लास्ट डेट दी है 13/3/2020 से हमारी 2/4/2020 के ऊपर 4 बजे कार्यरत है। ठीक है, उसके बाद जो उम्मीदवार हैं वो हमारे जो भी इसमें फॉर्म डालेंगे, वो जो भी स्टूडेंट हमारे इसमें फॉर्म डालेंगे वो अपडेट होते रहें, इस वेबसाइट को खोल खोल के देखते रहें। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो में आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अब इसके बाद में बैक होते हैं और वेबसाइट है, यहाँ से हम अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो क्लिक करके लॉग इन करके हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो हम यहाँ पे ऑलरेडी लॉक्ड कैंडिडेट पर क्लिक करके हमारा आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें सर्टिफिकेट के प्रकार दिए हैं, ये देखिए आप किस तरीके से कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे ST SC तथा OBC का दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको PWD के सर्टिफिकेट फॉर्म बी, फॉर्म सी इस तरीके से आपको दिए हैं, और ये आपको लास्ट डेट दी है आपको यहाँ पे लास्ट डेट दे रखी है आपकी, और कब से कब तक वेबसाइट चालू रहेगी। उसके बाद में तो गाइडलाइंस के बारे में दिया है, क्लिक टू व्यू गाइडलाइंस, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले क्या आपको बदलना है। अब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपको अभी आपको उसमें देख ही चुके हैं आप, इस तरीके से हमारा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।